महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 के सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन कर भारत को फाइनल तक पहुंचाने वाली पंजाब के मोगा की हरमनप्रीत कौर पर आज पूरे देश को नाज है। जहां विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में अर्जुन अवार्ड से हरमनप्रीत कौर को सम्मानित किया है, तो वहीं पूर्व क्रिकेटर कपिल देव के कोच डीपी आजाद की फाउंडेशन द्रोणाचार्य डीपी आजाद की ओर से आज चंडीगढ़ में हरमनप्रीत कौर को सम्मानित किया गया। इस दौरान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ में काफी संघर्ष किया है, जो तवज्जो महिला क्रिकेट को पहले दी जानी चाहिए थी वो अब दी गई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में महिला क्रिकेट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और क्या कहना है हरमनप्रीत कौर का, आइए आपको सुनाते हैं। 2017 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत को फाइनल में पहुंचाने वाली पंजाब की मोगा की हरमनप्रीत कौर को भारत सरकार ने हाल ही में अर्जुन अवार्ड से नवाजा है। इस वक्त हमारे साथ खुद हरमनप्रीत कौर हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से जो है देखा जा रहा है कि अब जो है पुरस्कार की झड़ियां सी लग चुकी है, क्या सोच के आपने जो है, क्या लगता है आपको कि ये जो पुरस्कार था आपको पहले दिया जाना चाहिए था, जिस तरीके की आपकी मेहनत? जी हाँ, उस टाइम भी इतनी मेहनत कर रहे थे और टीम अच्छा कर रही थी। आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद जो हमें प्यार मिल रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को, और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं। मैम, कितना आपके लिए टफ था जो है सेमीफाइनल में, जिस तरीके से देखा गया कि लगातार आपने 171 नॉट आउट बनाए, उसके बाद फाइनल में भी जो है आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, कितना टफ था आपके लिए? सी मैम, जब भी आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो, हर एक मैच, हर एक टूर्नामेंट टफ होता है। और आई थिंक जो टीम ने परफॉर्म करा वो बहुत ही अच्छा था, बिकॉज काफ़ी सालों से मेहनत करते हुए आ रहे थे। और आई थिंक फुल मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई की तरफ से जो हमें सपोर्ट मिली, आई थिंक सबकी मेहनत है, सिर्फ हमारी नहीं, फैमिलीज सब जो जिन लोगों ने हमें सपोर्ट करा, आई थिंक सब ने जब मिलकर सपोर्ट करा है और मेहनत करी है, उसका रिजल्ट मिला है। लेकिन अगर आपकी बात करें तो काफ़ी टाइम से जो है आप स्ट्रगल कर रही हैं, आपने पंजाब सरकार से भी उस दौरान जॉब की मांग की थी लेकिन सरकार ने मना कर दिया था, इस पर आपका? जी हाँ, उस टाइम थोड़ा ये था कि क्रिकेट टीम नहीं है पंजाब पुलिस में, पर अभी आफ्टर वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस जॉब ऑफर करा है कैप्टन सर ने, और आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज इससे पहले मुझे पंजाब से दूर मुंबई में रहना पड़ता था और बहुत स्ट्रगल होती थी वहाँ पे, क्योंकि फैमिली नहीं थी, सब कुछ मुझे खुद देखना पड़ता था क्रिकेट के बिना भी। और आई थिंक अभी घर वापस आने का मौका मिला है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये जॉब मिली है और वापस घर आ जाऊँगी अब। मैम, एज ए फीमेल कितना टफ है जो है इस मुकाम तक पहुंचना, काफ़ी स्ट्रगल आपने किया है, अब जो है काफ़ी लंबे समय के बाद आपके जो हुनर को है पूरी दुनिया ने देखा है। जी हाँ, अपने देश में गर्ल्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और वैसे ही मेरे को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज क्रिकेट जैसा स्पोर्ट अपने देश में गर्ल्स कम खेलती थी। और आई थिंक मेरी फैमिली की जो स्पोर्ट थी और मेरे कोचेस ने जो मुझे सपोर्ट करा है, उसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ और मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा। लेकिन अगर बात करें महिला क्रिकेट की, लेकिन अभी भी जो है तवज्जो नहीं दिया जाता है महिला क्रिकेट को। जी हाँ, बट आई थिंक स्लोली स्लोली जो थिंग्स है वो चेंज हो रही है, और वर्ल्ड कप के बाद जैसे सडनली सब चेंज हुआ है, और आई थिंक ये चीज़ें काफ़ी टाइम पहले हो जानी चाहिए थे, बट अभी जो चेंजेस हुए हैं हम उससे भी खुश हैं, बिकॉज एटलीस्ट अभी तो लोग हमें अपने नाम से रिकगनाइज करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैम, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पुरुष जो टीम की अगर बात करें तो उनके लिए जो है IPL भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ऐसे में क्या आप डिमांड रखते हैं कि महिलाओं के लिए भी इस तरीके का खेल? जी हाँ, ऐसे IPL की बात तो हम बहुत साल पहले से करते हुए आ रहे हैं, बिकॉज मेंस को ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं IPL खेलते हुए, और BCCI ऑलरेडी इसके ऊपर मीटिंग्स कर रहे हैं, और आई थिंक जल्दी हमें भी कोई अच्छा टूर्नामेंट खेलने के लिए मिलेगा जिससे हमारी गेम और भी इम्प्रूव हो। लेकिन मैम, जिस तरीके से अगर हम सरकार की बात करें, चाहे हरियाणा सरकार की बात करें, पंजाब सरकार की बात करें, देखा गया था गीता फोकाट की जब फिल्म आई उसके बाद जो है उन्हें सम्मानित जो है लगातार किया जा रहा है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, जब विश्व कप में जो है आपने शानदार प्रदर्शन किया उसके बाद जो है आपको सम्मानित लगातार किया जा रहा है। आपको लगता नहीं है कि सरकार को पहले जो है इस काम को कर देना चाहिए? एक्चुअली आई थिंक रीज़न तो यही था कि हमारे जो मैचेस थे वो ज़्यादा टेलीकास्ट नहीं होते थे, बिकॉज टेलीकास्ट नहीं हो रहे थे और लोगों को पता नहीं चल रहा था, और कवरेज इतना कम था कि लोगों को पता नहीं चल रहा था कि गर्ल्स कौन से प्लेटफॉर्म में परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी अचीवमेंट्स क्या है। और आई थिंक जैसे उनकी मूवीज़ के बाद ही सबको पता चला, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी उनकी मूवी के बाद ही पता चला कि उन्होंने लाइफ में इतना स्ट्रगल करा है और इतना लाइफ में इतना अचीव करा है। और आई थिंक जब लोगों के तब आपके मैसेजेस पहुँचते हैं और आप लोग आपको देख पा रहे हैं,
उसके बाद ही वो लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद जैसे पूरे हिंदुस्तान ने पूरी लाइक वर्ल्ड ने वो जो वीमेंस क्रिकेट को फॉलो करा है उसके बाद ही सबको पता चला है कि वीमेंस क्रिकेट भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस होती है, अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं। और आई थिंक अभी धीरे धीरे जो वर्ल्ड है, जो अपना अपनी कंट्री है, वो चेंज हो रही है। और आई थिंक मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसे ही लोगों से प्यार मिलता रहे। जी मैम, बीइंग ए फीमेल आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को? मेरा मैसेज सबको यही है कि जैसे हम मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और मेरे नॉट ओनली मी सारी गर्ल्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, और अगर फैमिली से और सोसाइटी से अच्छा सपोर्ट हो और उनको लाइक गर्ल्स को जो भी उनको लाइफ में करना है उनको रोकना नहीं चाहिए और उनको परमिशन मिले और वो लोग जो भी कर रहे हैं उनको खुशी से करना दिया जाए। और आई थिंक अगर जब सबकी सपोर्ट होती है तो जो आपकी मंजिल होती है वो और भी पास आ जाती है। और आई थिंक फैमिली को और बाकी सबको सपोर्ट करना चाहिए गर्ल्स को जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है। मैम मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से जो है सरकार, जहां आप खुद रहती हैं, पंजाब सरकार ने आपको जॉब नहीं दी, लेकिन सचिन तेंदुलकर जो है सामने आए, उन्होंने आपका नाम रिकमेंड किया मुंबई में, उनकी तरफ से जो है आपको जॉब मिली उनकी वजह से, तो उनके लिए क्या? हाँ, सचिन सर हमेशा से सबके आइडल रहे हैं और हमेशा हमेशा से क्रिकेटर्स को क्या बाकी के सारे स्पोर्ट्स को भी वो फॉलो करते हैं और सपोर्ट करते रहे हैं। और मेरा वो जो टाइम था बहुत क्रूशल था, बिकॉज तब पंजाब गवर्नमेंट में भी जॉब नहीं मिल रही थी और फिर रेलवे में भी ऑलमोस्ट आई थिंक उस टाइम पे मेरी जो एसी 25 हो चुकी थी, और 2 साल पहले उस टाइम पे क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं कि आपको इस एज लिमिट के बाद आपको जॉब नहीं मिलती, आई थिंक सर ने वो मेरे लिए गवर्नमेंट को अप्रोच करा था, रेलवे में अप्रोच करा, और आई थिंक मैं बहुत लकी समझती हूँ कि सर को मिलना ही इतना मुश्किल होता है और उन्होंने मेरे लिए अप्रोच करा। और आई थिंक जो भी उनको मुझसे उम्मीदें थी प्रैक्टिस को लेके, गेम को लेके, और मैं वो उस पर हार्डवर्क कर रही हूँ और आई विश कि मैं जैसे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ही वैसे ही परफॉर्मेंस कंटिन्यू करूँ। ये थे हमारे साथ अर्जुन अवार्डी हरमनप्रीत कौर, जिनका कहना है कि महिलाओं को, लड़कियों को जो है भारत में उतनी आज़ादी नहीं दी जाती है जितनी दी जानी चाहिए। newsnumber.com के ज़रिए जो है उन्होंने एक मैसेज दिया है कि लड़कियों को जो है ख़ासतौर से आज़ादी दी जानी चाहिए ताकि वो अपने सपने को आसानी से पा सकें। newsnumber.com के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। हाल ही में हुए महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 के सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर ने 117 रन की नाबाद पारी खेली थी और फाइनल में शानदार अर्धशतक भी जमाया था। इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद हरमनप्रीत कौर को पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस में DSP की जॉब के साथ साथ 5 लाख रुपए देकर भी उन्हें सम्मानित किया।